प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में। को हमारे अस खुद नोटिस लेकर इन तीनों शख्सों को बुलाया जाए और उनसे मेरा हक दिलवाया जाए। कम है, सिंध गवर्नमेंट सिर्फ 3,000 रुपया माहवार देती है जो कि एक मजाक है, तो और वो भी एक साल में देते हैं, तो क्या ये इंसाफ है कि एक शख्स जिसकी देश बहा खिदमात हो उसको माकूल मुआवजा कम से कम 20,000 माहाना तो होना, ताकि हम नानो नफ़ा बिजली के बिल वगैरह दे सकें। और मैं एक दरसगाह भी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ एक क्लासिकल म्यूज़िक मैं आवाम तक फैलाऊँ। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 03-44-390-4788। आपका खैर ख्वाह सलीम शहजाद। प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना, प्यार की याद निगाहों में सजाए रखना।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दुकानदारों से मौजूद हैं यहाँ पावर हाउस सुरंगी में और बात करते हैं यहाँ के स्टॉल ओनर से कि लोगों का जोश किस तरह से। जी सर, बताइएगा लोग किस तरह खरीदारी कर रहे हैं और लोगों का जोश और खरोश किस तरह से आपके सामने नज़र आ रहा है। सही है माशाल्लाह, यहाँ पर तो खरीदारी अच्छी चल रही है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तो शाम को तो यहाँ पर टाइम भी नहीं होता बेचने का। अच्छा, जोश और खरोश बच्चों में, जवानों में सब बराबर है या जोश बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं खरीदारी के लिए? बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, मकसद माँ बाप अपने बच्चों की शॉपिंग अच्छी करवा रहे हैं। जोश और खरोश बहुत है। तो जिस तरह अभी आपने सुना कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी अपने बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं और माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी पूरे जोश और खरोश के साथ इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी बात करवाते हैं ऐसे ऐसे शख्स से जिनकी टोपी भी पाकिस्तानी, जिसका चश्मा भी पाकिस्तानी, जिसका गोश गोश पाकिस्तानी, तो आइए बात करवाते हैं आपकी। जी सर, किस तरह से आप जश्न मना रहे हैं यहाँ पे, जोश और खरोश कैसा लोगों का? बिल्कुल बेहतरीन है, बेस्ट है। अच्छा, खरीदारी बेस्ट सही हो रही है, अभी शुरू शुरू के दिन है, स्टार्टिंग है, थोड़ा नॉर्मली चलता है, आखिर के दिन के अंदर बहुत माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, जिस तरह से नारे लग रहे हैं नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान, जोश भी नया है या वैसे पुराना है? जोश भी इंशाल्लाह नया ही आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो आजकल जो नारे लगे नए पाकिस्तान, जोश भी नया है या वही पुराना है? जोश तो इस दफ़ा हर साल से ज़्यादा अच्छा है, और इस दफ़ा तो तब्दीली वाली बात हो रही है, देखें किस तरह से तब्दीली होती है। अच्छी लग रही है हर चीज़ें, जो दिल तो ये चाह रहा है सब चीज़ें खरीद लें। तो जिस तरह से आपने जाना कि अंकल का दिल तो चाह रहा है कि सब चीज़ें एक ही साथ खरीद लें अपने बच्चों के लिए, तो इसी तरह से ये देखें, ये इनका बेटा है। अच्छा, आप खरीदारी करने के लिए आएँ? जी। अच्छा, ये आपने जो लिया है ये किसके लिए? झंडा तो समझ में आता है, झंडा है पाकिस्तान के हिसाब से, ये आपने क्यों लिया? शोर शराबे के लिए। नए पाकिस्तान में शोर शराबे भी नया होगा, जिस तरह से आपने जाना है कि यहाँ पे प्राइस भी रिजनेबल है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के नए पाकिस्तान की आमद है और जश्न आज़ादी की भी आमद है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी जोश और खरोश देखेंगे काबिल है। बस जरूरत इस बात की है कि चेंजिंग और तब्दीली चाहिए, तो पाकिस्तान के हर एक बंदे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जब भी तब्दीली आएगी। कैमरामैन इमाद जान के साथ तैयब मजीद, कैप्टिवेटर्स प्रोडक्शन, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीब तालिब और आज का हमारा टॉपिक है 23 मार्च। पिछली दो वीडियोस तो आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज के टॉपिक के बारे में बताना चलूं कि 23 मार्च के बारे में हम लोगों के उनके रिव्यूज लेंगे कि वो क्या जानते हैं 23 मार्च को क्या हुआ था। सही, तो चले हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद साहब, मुझे ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? मैं तो यार था नहीं। आप नहीं थे? अच्छा, चलिए ये बताएं 23 मार्च को पाकिस्तान और इंडिया की जंग क्यों हुई थी? तो आप भी तो बुजुर्ग लोग हैं, आपको कैसे नहीं पता? नहीं, हम तो देहात में रहते थे ना, हमें देहात में जंग नहीं हुई थी? नहीं, वहाँ तो होती है लेकिन मालूम नहीं था। अच्छा, जंग में शिरकत नहीं हुई आपने? अब्दुल गफ्फार साहब, मुझे ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? पता नहीं था। तो आपको नहीं पता? नहीं। सही है। अच्छा, ये बताएं 23 मार्च को जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करा था, उस बारे में कुछ कहेंगे आप?
गलत किया हूँ, हमारे मुसलमान के ऊपर हमला किया, हमारे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, गलत किया हूँ, गलत किया, मतलब उन्हें हमला नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आजम साहब मुझे बताएं 23 मार्च को आप क्या करेंगे? जो मर्जी आएगी वो करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा ये बताएं 23 मार्च को पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो हुई थी उस बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब कुछ नहीं जंग है, कुछ भी नहीं। अच्छा अगर आगे अब जंग होती है 23 मार्च को तो आप क्या करेंगे? लेके खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे थैंक यू। 23 मार्च को पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था? पता नहीं, पता नहीं। सही, अच्छा ये मैं बताता हूँ, चलिए 23 मार्च को एक जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये बताएं उसमें हमारे बहुत से लोग शहीद हुए थे, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर मुझे ये बताएं 23 मार्च को पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था? 23 मार्च को बेसिकली करारदाद मंजूरी, करारदाद मंजूरी, सही बेहतरीन, मतलब अभी तक हमें किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया था। सर मुझे ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? ये जो क्या मतलब कोरोना वाला जो नहीं, कोरोना वाला नहीं, 23 मार्च को जो पाकिस्तान में हुआ था, जो मतलब जिस वजह से पाकिस्तान है उसमें जंग हुई थी, जंग हुई थी अपने मुल्क के लिए, तो आज़ादी हुई थी 24। अच्छा तो ये बताएं कि आज़ादी किस टाइम हुई थी? आज़ादी जब 24 तारीख आई है, क्या 14 तारीख को, 14 अगस्त को। सर मुझे ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को हमारे मुल्क के लिए आज़ादी हुई थी। आज हम जो आज खुली सांस ले रहे हैं उन शहीदों के वजह से आज सांस ले पा रहे हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं। 23 मार्च को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अच्छा सर तो आपको, आप मुझे बता सकते हैं कि 23 मार्च को कब आज़ाद हुआ था, मतलब टाइम कुछ आपको पता है दादा? 23 मार्च जब उस वक्त हुआ था, उस वक्त तो मैं शायद नहीं था, तो बड़ों से मैंने सुना हुआ है, बाकी ये है कि आज हम उसी की वजह से आज आज़ाद कौम है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? वैसे ये वीडियो भी कुछ मज़ेदार लगी होगी, ऐसा हो नहीं सकता मेरी वीडियो मज़ेदार ना लगी हो। और यार लेकिन इस बात ना मुझे एक बात को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि लोगों को पता ही नहीं 23 मार्च है क्या। 23 मार्च को हमारे मुल्क के लिए करारदाद मंजूर हुई थी, सही है, लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। तो आप लोग ये वीडियो इतनी फैलाएं कि लोगों को पता लगे कि 23 मार्च को आखिर हुआ क्या था, कोई जंग नहीं हुई थी, पाकिस्तान आज़ाद नहीं था, करारदाद मंजूर हुई थी यार 23 मार्च को, क्या कर रहे हैं आप लोग। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो देखी, हमें सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग इतना ज़्यादा, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा कैप्टिवेटर्स प्रोडक्शन को, ताकि उनके जरिए जो मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुँच रही है और ज़्यादा वीडियोस, और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले आपकी तरफ से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
Hello guys, this is Sunil Kumar and this is Huzaifa Siddiqui. We are making this video in the favor to Book Circulation Fair, which is going to happen on 27th May, this Sunday in Darki City. Chaji. तो हम ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं दैट कि बुक रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और ये बुक रीडिंग इंटीरियर सिंध में क्यों किया जा रहा है. तो पहले हम मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी से बात करेंगे, इनका ये खुद इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपना. प्लीज़ गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी है. मेरा अपना स्कूल है जिसके अंदर मैं एडमिन हेड में होता हूँ. मेरे बाबा का स्कूल है वो, और मैं यहाँ पे सर सुनील के बुलाने पर आया हूँ. तो हमें सुनील कुमार ने कहा था कि आके आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि बुक रीडिंग के क्या फायदे हैं. असल में क्या है, बेसिकली बुक रीडिंग कल्चर का कोई इतना कोई खास कंसेप्ट नहीं है. वहाँ बच्चे जो है, वहाँ जो बच्चे हैं ना, वो टाइम फ्री टाइम की एक्टिविटीज़ को बेसिकली बुक रीडिंग में नहीं लेकर आते. वो सोशल मीडिया हो गया, वो गॉसिप हो गया, वो यहाँ वहाँ घूमना हो गया. तो ये जो बुक सर्कुलेशन टीम है, दे आर टेकिंग अ ग्रेट स्टेप, ग्रेट इनिशिएटिव अलहमदिल्ला, कि उनको एक कॉमन करना है बुक रीडिंग कल्चर, ताकि बच्चों के अंदर एक शहूर पैदा हो. यू नो वेरी वेल, हम बुक पढ़ने से वी व्हेन वी रीड डिफरेंट बुक्स वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ द बेसिकली इन्फॉर्मेशन नॉलेज, और हमारे अंदर एक शहूर सा आ रहा होता है. तो तभी मैंने ये सोचा है दैट कि क्यों ना हम एक वीडियो के थ्रू उनके यहाँ पैगाम पहुँचा दें दैट कि यार बुक रीडिंग, हम कराची में बैठे हुए अलहमदिल्ला, मेरा आई थिंक मैनी ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग टू मी दे नो मी वेरी वेल. और ये उज़फ़्फ़र सिद्दीकी मेरे साथ अभी राइट नाउ आए थे, तो मैंने कहा चलो यार ये बुक रीडिंग का बना लो कि क्या फ़ायदे हैं, जो बच्चे इस फेयर में आने वाले हैं या जो बच्चे इस फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा कि ये फ्री बुक लेकर वो क्या करें उसके साथ. जी उज़फ़्फ़र, देखें वैसे बुक रीडिंग के तो बहुत से फायदे हैं. जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे आपके पास नॉलेज आगे नहीं आएगी, नॉलेज नहीं बढ़ेगी. आपको एक काबिल इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो. ये एक अच्छा सेंटेंस बोला गया दैट कि काबिल इंसान बनने के लिए बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक रीडिंग आपकी पूरी पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेता है. राइट, ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि बच्चों को फ्री बुक्स मिल रही हैं. इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बुक ड्राइव होने जा रहा है इट शुड बी अ वंडरफुल एग्जांपल फॉर द इंटरेस्टेड पीपल, और ये इनको आइडिया होना चाहिए कि इससे कितने फायदे हैं. जो बच्चा बुक अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर, या जिन बच्चों के पास नॉलेज ही नहीं कि किस किस्म के बुक्स पढ़ने चाहिए, तो वो इससे फायदा उठा सकता है. दे कैन गो एंड फाइंड आउट वेरियस काइंड ऑफ बुक्स, दे कैन सेलेक्ट एनी काइंड ऑफ द बुक्स ओवर देयर. राइट, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स चुने, वो वोकेशनल ट्रेनिंग की बुक्स चुने, दे कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ द बुक्स. राइट, और ये एक अच्छा बेनिफिट है अगर वो कोई बुक ले ले और उसमें से टिप्स देख ले कि लड़की यार मुझे इसमें से कौन सा अंडरस्टैंड करना है. जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे इंटरेस्ट में बैठे हुए ना, वो अपने टाइम की वैल्यू समझें. टाइम, यू नो, टाइम इज मनी. टाइम को समझें दैट कि यार मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की बुक रीडिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए बेनिफिट है. वो आगे चल के इन्फॉर्मेशन उसके एक्सपीरियंस में काम आएगी. व्हेन यू हैव गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. अच्छा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग हियर राइट नाउ, कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुक फेयर लग रहा है ये तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ लग रही है. ये अगर कराची में लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है. हम कराची में वेरी सून इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू अरेंज, पहले ये दरकी में कर लें कामयाबी से, तो फिर उसके बाद कराची में आएंगे. तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आप जाएं, जरूर जाएं और ये फ्री बुक्स जरूर जाके पढ़ें, लें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें. जी, और मैं ये कहना चाहूँगा एट द एंड, ये क्योंकि बुक ड्राइव जैसे ये कह रहे हैं कराची में हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम बेसिकली यहाँ पे भी हम इसको स्पॉन्सर करें, इसको कामयाब करें. ये दरकी में होने जा रहा है, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है. मैं वैसे आप पर्सनली रिकमेंड सम बुक्स राइट नाउ हेयर रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि थिंक एंड ग्रो रिच. अब वो सोचना जो होगा वो बेसिकली पढ़ने से आएगा. जब आप पढ़ोगे तो कुछ सोचोगे, फिर सोचोगे तो थोड़ा आप रिच बनोगे. रिच मीन्स इन द सेंस ऑफ नॉलेज इन इंफॉर्मेशन. तो एट द एंड आई वुड से आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम ऑफ बुक सर्कुलेशन. मे गॉड हेल्प यू टू सक्सीड इन योर प्रोजेक्ट. और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वी आर अवेलेबल राइट नाउ. और हमें जो शूट कर रहे हैं उसका नाम है हमजा तारिक. बेसिकली हमजा तारिक खुद भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन. तो उनकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, वो भी कह रहे हैं दैट कि बुक रीडिंग प्लेज अ वाइटल रोल, तो प्लीज़ डेवलप अ बुक रीडिंग कल्चर इन योर सोसाइटी एज योर किड्स कैन ग्रो एंड फाइंड अ गुड सोसाइटी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. थैंक यू. कर दे मैं तेरे रहम का तलबगार हूँ.
ने दुनिया में मुझको बनाया था एक इंसान। ऐशो इशरत की आदत में पढ़ के मैं बन गया शैतान। मैंने क्या क्या न की है बुराई, मैं बेहद खतावार हूँ। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे रहम का तलबगार हूँ। तेरे बंदों पे मैंने किए हर कदम पर सितम, जुर्म मैंने किए और करता रहा तू करम। तू है सत्तार अल्लाह करम का, मैं तेरे तलबगार हूँ। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे रहम का तलबगार। ठोकरें खा के दुनिया की आया हूँ बन के सवाली, मेरा सब लुट गया और झोली भी है मेरी खाली। ओ के नादिम खताओं पे अपनी मैं खुद से शर्मसार हूँ। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे करम का तलबगार। रोज महशर शर्मसार मुझको खुदाया न करना, जो भी मेरे गुनाह तू मौला उन्हें माफ करना। बख्श दे या तू मुझको उठा ले, खुदा मैं भी बेजार हूँ। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे करम का तलबगार। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे रहम का तलबगार हूँ। तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे रहम का तलबगार हूँ। यार नमाज के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। अबे तो बोल तो ऐसे ऐसे मामा तुझे करानी, हमें भी टाइम दे दिया करो यार। घर मस्जिद, घर मस्जिद, चलो साथ चलते हैं, बातें करते हुए जाएंगे। मैंने बहुत पढ़ी नमाज, तुम होके आओ फिर बात करते हैं। ऐसे ज्यादा दर्द मत दे, नमाज पढ़ने आ रहे ना, या पढ़ गया फिर बात करते हैं। अच्छा मर्जी है तुम्हारी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही।
शाहरुख अंदर भेजिए। कमेन थैंक यू। ये आपकी फाइल है, मैंने आपको कुछ बिल्स दिए थे, आपने वो पे नहीं करे, जरा अपनी फाइल चेक कीजिए, वो बिल्स कहाँ है? मैम जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे मैं तो वैसे ही किया सब कुछ। मैं तो कहाँ है जो मैंने आपको बिल्स दिए थे, आप चेक करें मुझे बताएं वो बिल्स किधर है। शाहरुख बिल्स इस पे नहीं है मेंशन, आप खुद देखो, आप मुझे बताओ किधर है लास्ट के, लास्ट मंथ के ड्यूज क्लियर नहीं है, मैंने आपको फुल पेमेंट की थी आपने क्यों नहीं फिल करवाया? सॉरी मैम, इट्स माय मिस्टेक, मैं मुझे कुछ इश्यूज थे तो इसकी वजह से मैं पे नहीं कर सका आपके बिल्स, लेकिन इंशाल्लाह मैं सबमिट करवा दूंगा। आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इस चीज के लिए? आपको लगता है ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक है आपकी? शाहरुख मैं आपको हायर नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, अब जा सकते हैं। सॉरी मैम, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन मैम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, प्लीज मैम इस रिक्वेस्ट, आई एम सॉरी टू शाहरुख, आप जा सकते हैं प्लीज मैम। प्लीज मैम, शाहरुख ये इतनी बड़ी मिस्टेक है आपकी, मैम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आई एम सॉरी शाहरुख। सॉरी मैम, one more chance please, inshallah aapko next time koi aise complaint nahi milegi meri taraf se, please ma'am। aap jaise bande hum apne office mein nahi rakh sakte, main aapko hire nahi kar sakti, I'm really sorry, aap ja sakte hain please। क्या बात है शाहरुख नजर नहीं आ, उससे घर जाके उसकी खैरियत मालूम कर सकते। क्या बात है आजकल आप नजर नहीं आ रहे? हाँ यार कुछ परेशानी चल रही है। क्या वो सब कहते तो है? क्या यार कुछ भी तो खबर नहीं है। क्या वो बताया तो सही? मेरी जॉब छूट गई है यार चौधरी। क्या जॉब छूट गई? हाँ ये तो बहुत परेशानी की बात है। हाँ यार यही तो बचा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं तुमसे कहा करता था ना नमाज पढ़ो अल्लाह को याद करो, मगर तुम मेरी एक ना सुनो। हाँ यार चौधरी तुम सही काम करते थे यार, लेकिन मैं करूं क्या? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह के घर में दे रहे हैं दे नहीं, ये चार नमाज ये कुरान शरीफ ये सब क्या सजाने के लिए रखे? हाँ यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। सर मैं चलता हूँ, जरा मुझे कुछ काम है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को निजात।
जब सुलगने लगे तन्हाइयों से उलझने लगे सिसकने लगे और तड़पने लगे बहकने लगे और भटकने लगे मौत बन जाए आंखों में चुभने लगे एक सजदा करो रब के आगे वही ये राह मुश्किल नहीं पास है मंजिल कहीं ये राह मुश्किल नहीं छोड़ कर मुड़के देखो अगर सबने पाया इधर बंदगी ओढ़ कर दर्द को छोड़ कर मुड़के देखो अगर सबने पाया इधर सीधे खत की तरह बिल्कुल सादा है ये दुआ है मुसम्मम इरादा है ये सीधे खत की तरह बिल्कुल सादा है ये दुआ है मुसम्मम इरादा है ये एक सजदा करो रब के आगे वही
इतना आसान है, अभी छुट्टे सारे गाने सुनती हूँ उसके। नहीं मैं बाजीराव मस्तानी गा नहीं रही, बाजीराव मस्तानी मैं बोल भी नहीं रही हूँ। तो आपने मेरा तो नहीं बताया। हाय मैं मर जाऊँ, मैं इसको क्यों बता रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ मेरी बारी थी, अब अपना ही वो करने शुरू हो गए। नहीं मैं इसको क्यों बता रही हूँ, मैं इसको जुड़वा क्यों रही हूँ। अब तो ठीक है, गलत बात। आप किसकी बारी? तुम्हारी बारी। मेरी बारी अंगूठा जाओ। अंगूठा जाओ मूवी है, अंगूठा जाओ मैंने सुनी है मूवी, मूवी नाम सुना है मैंने। तो हो गया अंगूठा जाओ। तो ये हार गई किधर? और क्यों हार गई? मैं हार गई हार। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग करते हैं, उम्मीद है आप। क्या हो गया पापा? इसी के साथ हम अपना व्लॉग करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। Stay tuned with us, keep supporting us and bye bye. And don't forget to like, comment or share, क्योंकि नई जवान भी है हमारे पास। मेरी बारिश। बाय बाय। अपना बहुत नहीं एंडिंग सही कर, अपना बहुत सारा लड़की के घर बैठ के। इसी के साथ हम करते हैं, इसी के साथ हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट और शेयर एंड कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह नहीं यार, उसको कोरोना वायरस चल रहा है थोड़ा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, stay safe, stay home. इसी के साथ हम करते हैं अपना ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट और शेयर और हाँ स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। एक और डन। Oh,
सबसे लाले परचम इसका सबसे लाले शान पाकिस्तान की सुनो सुनो ऐ लोगों आने पाकिस्तान की सुनो सुनो ऐ लोगों आने पाकिस्तान की सबसे लाली शान पाकिस्तान की सुनो सुनो ऐ लोगों
अरे चाय ला दो, देर हो गई ऑफिस के लिए। ये चाय है क्या जोशांदा? चीनी नहीं है इसमें? मैं 3 रोज से मोहल्ले वाले से चीनी उधार मांग मांग के तुम्हारे तुम्हारे बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ। अरे तो कमा लेते हो क्या? अच्छी चाय और 2 वक्त की रोटी हम लोग बैठ के खा सके आराम से। मुझे पता है कि तुम्हारी सैलरी जितनी आती है महीने की 15 दिन में ही वो खत्म हो जाती है। मैं किस तरह घर में पापड़ बेल बेल के अपना खर्चा चलाती हूँ मैं जानती हूँ। मैं मेडिसिन कंपनी का एजेंट हूँ, रोज डॉक्टर के पास दर दर भटक के जाता हूँ, उनको सेल करता हूँ तब जाके मुझे सैलरी मिलती है। पर तुम्हारी सैलरी में हमारा गुजारा नहीं होता। एक तो मैं तुम लोग के लिए सारा दिन मेहनत करता हूँ लेकिन उसमें भी तुम लोग खुशी नहीं होती। 1 साल हो गया तुम्हारी जॉब को लेकिन तुम्हारी तो सैलरी बढ़ने का नाम ही नहीं है। और यहाँ महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है पर तुम्हारी सैलरी बढ़ने का नाम नहीं है। मेरी शर्ट पुरानी हो गई है, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये शर्ट भी तुझे छोटी हो गई है, अब मैं घर का खर्चा चलाऊं या तुझे शर्ट दिलाऊं? क्या हो गया इस शर्ट को? ठीक तो लग रही है। ये पुराने स्टाइल की शर्ट है, कल नहीं जाऊंगा मैं कॉलेज पहन के। तुम लोग क्या कॉलेज कपड़े दिखाने के लिए जाते हो? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, जो कमाता हूँ सब तुम लोग को ला के देता हूँ, फिर भी तुम लोग कहते हो कि खर्चा पूरा नहीं होता। इतनी कम आमदनी में खेत तान के गुजारा करना पड़ता है, तुम्हारी तनख्वाह तो महीने की 10 तारीख को ही खत्म हो जाती है। ये तुम लोगों ने क्या लगा के रखा हुआ है? क्या मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं करता हूँ? पैसे ही सब कुछ तुम्हारे लिए, मेरी कोई अहमियत नहीं तुम लोग के लिए दिल में? और जितना मुझसे होता है उतना मैं करता तो हूँ, डॉक्टरों के पास जा जाके मेडिसिन सेल करता हूँ मैं, पूरे दिन की ख्वारी के बाद फिर जाके मुझे कहीं तनख्वाह मिलती है। तुम लोग के लिए जितना काम करो वो सब काम है तुम लोग के लिए। घर चलाना तुझे आना चाहिए, आज बच्चे कपड़ों की जिद कर रहे हैं, कल बोलेंगे कार चाहिए तो मुझे आज पता चल गया तुम सब पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम लोग के लिए पैसे ही सब कुछ है। बस अबू बस, पैसे हमारे सब कुछ नहीं है, आपकी कमाई की वजह से हम अपने ख्वाबों को मारते हुए आए हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने जिस चीज की भी ख्वाहिश की है आपकी कमाई की वजह से, अब वो सिर्फ आपकी कमाई की वजह से उसको हमने अपने अंदर ही दफन कर लिया है। माँ को देखो कितना अरसा हो गया, इसने अभी तक अपने लिए एक जोड़ा तक नहीं बनाया, जैसे तैसे पैसे जमा करके रोज हमारे लिए खाने का इंतजाम करती है। अब आप बोलोगे कि मेरे बस में जो था वो मैंने किया, अब आप माँ को बोलोगे कि मेरे बच्चों को मेरी परवाह नहीं। हमारे लिए आपकी अहमियत उस वक्त होती जब आप हमारे लिए अच्छे वालिद और हमारी माँ के लिए अच्छे शोहर साबित होते। ना तो ये चाहिएगा कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा करते कि हम अपने दोस्तों को फख्र से बोलते कि हाँ हमारे बाप ने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक हमने जिस चीज की भी ख्वाहिश की है आपकी कमाई की वजह से, वो सिर्फ आपकी कमाई की वजह से उसको हमने अपने अंदर ही दफन कर लिया। साल हो गया तुम्हारी जॉब को लेकिन तुम्हारी तो सैलरी बढ़ने का नाम ही नहीं है। और यहाँ महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है पर तुम्हारी सैलरी बढ़ने का नाम नहीं है। मेरी शर्ट पुरानी हो गई है, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक हमने जिस चीज की भी ख्वाहिश की है आपकी कमाई की वजह से, वो सिर्फ आपकी कमाई की वजह से उसको हमने अपने अंदर ही दफन कर लिया।
कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा करते कि हम अपने दोस्तों को फखर से बोलते कि हाँ हमारे बाप ने हमारे लिए यह सब कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक हमने जिस चीज की भी ख्वाहिश की है आपकी कमाई की वजह से, वो सिर्फ आपकी कमाई की वजह से उसको हमने अपने अंदर ही दफन कर लिया। तो ये चाहिए था कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा करते कि हम अपने दोस्तों को फखर से बोलते कि हाँ हमारे बाप ने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। आप हमारे लिए कुछ ऐसा करते कि हम अपने दोस्तों को फखर से बोलते कि हाँ हमारे बाप ने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। ये सब कुछ पैसे का खेल है। अरे कामरान भी आ गया। आप हैं कामरान, उमर साहब के साहबजादे। जी ये कंपनी की तरफ से चेक है आपके वालिद साहब की आला कारकर्दगी पर। मरहूम ने सारी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, कंपनी इनकी खिदमत तो कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। Thank you.
सारे निकम्मे मेरे ही पास आके भर्ती हो पाए। कल अला दिखता भी नहीं आया था, बर्तनों का ढेर लग गया यहाँ पे। खड़ा होके मेरा मुंह क्या देख रहा है, यहाँ जाकर बर्तन दो। और सुनो जरा जल्दी आज चलाइयो, फिर मेरे साथ ये टेबल भी साफ करनी है।